दोस्तों, यदि आप भी इस तरह का एलईडी टेस्टर खुद से ही बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिए। इस तरह का एलईडी टेस्टर बनाने में मात्र 2 रुपये खर्च आता है। तो चलिए देखते हैं कि इस तरह का एलईडी टेस्टर बनाने के लिए हमें कौन कौन से सामान की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले नंबर पे हमें इस तरह का कोई पेन चाहिए जो कि बिल्कुल ख़राब हो। देखिए, ये खराब पेन है, तो इसी खराब पेन से हम एलईडी टेस्टर बनाएंगे। दूसरे नंबर पे चाहिए एक एलईडी। देखिए, ये है 5 mm की एलईडी। एलईडी किसी भी कलर की हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एलईडी सही होनी चाहिए, फ्यूज एलईडी है तब भी चलेगा। उसके बाद 100 ओम का एक रेजिस्टेंस चाहिए। देखिए, ये 100 ओम का रेजिस्टेंस है। उसके बाद कोई एक डेटा केबल चाहिए। आपके घर में पड़ा होगा कोई इस तरह का ख़राब डेटा केबल, वो भी चलेगा। और जब डेटा केबल ख़राब होता है तो केवल उसका आगे वाला हिस्सा ही ख़राब होता है। तो हमने आगे वाले हिस्से को काट कर इसमें से 2 वायर निकाल लिया है, एक है प्लस का और एक है माइनस का। हालांकि इसमें 4 वायर निकलता है, जो रेड वायर होता है प्लस और ब्लैक वाला माइनस होता है। 2 वायर और होता है ग्रीन और वाइट, जो कि डेटा ट्रांसफ़र के लिए होता है। तो दोनों वायर को हमने काट कर छोटा कर लिया है, केवल प्लस और माइनस को यहाँ पे अलग कर लिया है। तो हमें मात्र इतने ही सामान की ज़रूरत पड़ेगी और हम एक एलईडी टेस्टर बनाकर तैयार कर लेंगे। एलईडी टेस्टर बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इस पेन के कैप को निकाल कर इसे हम फेंक देंगे। उसके बाद इसके आगे वाले हिस्से को भी इस तरह से खोल कर फेंक देंगे। और ये जो एलईडी है, हालांकि ये एलईडी सही है, आप चाहें तो ख़राब एलईडी ले सकते हैं। जैसे कि देखिए, मेरे पास एक ख़राब एलईडी है। एलईडी में देखिए, एक कांटा बड़ा होता है और एक छोटा। तो हमने इस बड़े वाले कांटे को भी काट कर बराबर कर दिया था। देखिए, इस तरह से हमने काट कर बराबर कर लिया था और दोनों साइड में थोड़ा थोड़ा इस तरीके से देखिए मोड़ दिया है। देख सकते हैं, ये देखिए, इस तरह से हमने दोनों कांटों को मोड़ दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस एलईडी को इस पेन में इस तरीके से लगा देंगे। देखिए ऐसे। उसके बाद इसे हम फेविक्विक से चिपका देंगे। देखिए, ये एलईडी निकलेगा नहीं, बिल्कुल इसमें फिक्स हो गया। अभी इसके बाद हमें क्या करना है, इस पेन को यहाँ से काट देना है। देखिए, इस तरह से पेन को काट लेना है। एलईडी में 2 कांटे हैं, तो दोनों कांटों के साइड में देखिए यहाँ पे, तो हम एलईडी के दोनों साइड में यहाँ पे हम सुई से छेद कर लेंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। दोनों साइड में हम सुई को गर्म करके इसमें छेद कर लेते हैं। देखिए, इस पेन में हमने एलईडी के दोनों कांटों के साइड में छेद कर लिया है, छोटा छोटा। इतना ही छेद किया है जितने में कि ये वायर आराम से बाहर निकल सके, और हम इसे निकाल कर इस तरह से यहाँ पे सोल्डिंग कर दें। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो रेजिस्टेंस है इसे हम डेटा केबल के प्लस वाले वायर में इस तरीके से ऐसे जोड़ देंगे। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, डेटा केबल का ये जो प्लस वाला वायर है इसे हम काट कर छोटा कर लेंगे, ताकि हम इस रेजिस्टेंस को इस तरीके से यहाँ पर लगा सकें। इस वायर को हमें इसके अंदर डालकर इस तरीके से, और इन दोनों छेद से बाहर निकालकर इसमें हमें सोल्डिंग करना है। लेकिन यदि हम इस तरह से इसे डालेंगे तो इसके छेद से डेटा केबल का वायर बाहर नहीं निकलेगा। तो इसके लिए हम एक जुगाड़ फिट करेंगे। जुगाड़ क्या है, देखिए, ये हमारे पास 2 पतला वायर है, तो हम इन दोनों वायर को हम इस छेद से अंदर डाल देंगे। देखिए इस तरह से। हालांकि आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं कि इसी तरह का पतला वायर लेकर इन दोनों वायर को यहीं पे सोल्डिंग कर दीजिए। उसके बाद इन दोनों वायर में डेटा केबल का वायर इस तरीके से जोड़ दीजिए और टेप लगाकर इसके अंदर इस तरीके से डाल दीजिए, तब भी हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल फिनिशिंग रहे, बीच में कहीं भी जोड़ ना रहे। तो अभी मैं क्या करूँगा, ये जो 2 वायर हमने इसके छेद से बाहर निकाला है, इन दोनों वायर में पहले इसे हम सोल्डिंग कर देंगे इस तरीके से। इन दोनों वायर को ऐसे सोल्डिंग कर देंगे। उसके बाद इन दोनों वायर को हम बाहर खींचेंगे,
तो इन वायर के साथ साथ ये भी बाहर निकलेंगे, उसके बाद हम यहीं पे इसको सोल्डिंग कर देंगे। देखिए इस तरह से दोनों वायर को सोल्डिंग करके उसके बाद हम इन दोनों वायर को एक साथ खींचेंगे। देखिए इस तरीके से, देखिए ये दोनों वायर बाहर निकल गए हैं। अब हम क्या करेंगे, सोल्डिंग से इन दोनों वायर को यहाँ से हटा देते हैं। अब हम इन्हें यहाँ पे इस तरीके से सोल्डिंग कर देंगे। देखिए इस तरीके से, देख रहे हैं ये हो गया। ऐसे हम चेक करेंगे, यहाँ पर मैंने 100 ओम का एक रेजिस्टेंस यूज किया है। दरअसल रेजिस्टेंस इसलिए मैंने लगाया है कि यदि हम डायरेक्ट मोबाइल के चार्जर से किसी भी एलईडी को चेक करेंगे तो वो एलईडी फ्यूज जाएगी केवल आरजीबी एलईडी बल्ब को छोड़कर, क्योंकि ये 5 एम की जितने भी एलईडी बल्ब होते हैं इन सभी एलईडी को सही प्रकार से ग्लो कराने के लिए हमें केवल 3 वोल्ट बैटरी की ज़रूरत पड़ेगी, जबकि मोबाइल के चार्जर से जो वोल्टेज निकलता है वो 4 वोल्ट से ऊपर होता है। इसीलिए यदि आप बिना रेजिस्टेंस लगाए डायरेक्ट आप मोबाइल के चार्जर से किसी भी एलईडी को चेक करेंगे तो वो एलईडी ख़राब हो जाएगी, इसीलिए हमने यहाँ पर 100 ओम का रेजिस्टेंस लगाया है ताकि मोबाइल के चार्जर से निकलने वाले वोल्टेज को कंट्रोल करके केवल उतना ही आउटपुट दे जितने में ये एलईडी बल्ब सही प्रकार से ग्लो कर सके। तो चलिए इसका हम टेस्टिंग कर लेते हैं। अभी हम इस डेटा केबल को मोबाइल के चार्जर में लगाते हैं। देखिए मोबाइल के चार्जर में लगाने के बावजूद ये एलईडी नहीं जल रही है क्योंकि ये एलईडी फ्यूज है। अभी यदि हम इसी एलईडी में दूसरे एलईडी को लगाते हैं तब देखिए, देखिए ये एलईडी कितनी सही प्रकार से काम कर रही है। दूसरी एलईडी लेते हैं, ये है ट्रांसपेरेंट एलईडी, इसे देखते हैं। देखिए ये भी सही प्रकार से है। यदि ये उल्टा लग जाता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा लगाने से ये जलेगा नहीं, जब आप सीधा लगाएंगे तब ये जलेगा। कोई और एलईडी लेते हैं, देखिए देख रहे हैं जो हमारे घरों में एलईडी बल्ब होते हैं वो एलईडी बल्ब यदि फ्यूज जाते हैं तो एलईडी बल्ब के अंदर में जो एमसी पीसीबी निकलता है उस एमसी पीसीबी में कोई एक एलईडी फ्यूज होता है जिसकी वजह से एलईडी बल्ब नहीं जलता है। तो इसे चेक करने के लिए ही हमने ये बनाया है। देखिए ये उल्टा है, देखिए देख रहे हैं ये भी ख़राब है, ये सही है, ये भी सही है, ये भी ख़राब है, ये सही है। जो एलईडी बल्ब सही होगी वो पक्का जलेगी, देख सकते हैं। और आप चाहें तो कितनी भी देर इसे आप इस तरीके से जला कर रख सकते हैं, ये एलईडी फ्यूज नहीं होगा। जैसे कि देखिए ये मेरे पास एक टी टाइप बल्ब है जो कि अभी ख़राब हो चुका है। तो इस बल्ब में जितने भी SMD एलईडी लगे हैं उन सभी एलईडी को चेक करने के लिए ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। इसे हम इस तरीके से चेक करेंगे, देखिए देखिए ये भी ठीक है, ये देखिए ये ख़राब है, ये सही है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। और इसे बनाने में ना तो कोई परिश्रम है और ना ही कोई खर्चा लगा है। ये एक रेजिस्टेंस 50 पैसे या 1 रुपये में मिल जाता है। ये जो एलईडी बल्ब है ये तो एलईडी बल्ब पहले से ही फ्यूज था। यदि आप नए एलईडी का यूज करते हैं तो 1 रुपये का ये 5 एम का एलईडी मिलेगा, 1 रुपये का रेजिस्टेंस रख लीजिए 2 रुपया। ये पेन हमारे घर में ऐसे ही पड़ा हुआ था तो हमने उसका यूज कर लिया है, और ये डेटा केबल भी ख़राब पड़ा हुआ था जिसे हम बाद में फेंक ही देते, इसलिए हमने आगे वाले हिस्से काट कर इसमें लगा दिया है जिसका कि बहुत अच्छी तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो है ना एक कमाल का चीज़। तो ये जुगाड़ कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक और जुगाड़ वाली वीडियो में, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।